लास्ट क्लास में मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कितने टाइप के कन्फर्मर्स होते हैं कन्फर्मर्स के बारे में बताया, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन, हॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में बताया, और उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें मैंने अब तक आपको दो फैक्टर्स के बारे में बताया है, एक है एंगुलर स्ट्रेन और दूसरा है टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, तो अब हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड फैक्टर जो कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी को गवर्न करने के लिए यूज होता है वो है स्टेरिक स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। अब जरा देखो स्टेरिक स्ट्रेन कब डेवलप होता है, तो बोलते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट दो ऐसे एटम जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट दो एटम्स जो कि एक दूसरे से सीधे बॉन्ड नहीं बना रहे बट वो इस सेम मॉलिक्यूल के पार्ट है, अगर उन एटम्स के बीच का डिस्टेंस उस मॉलिक्यूल के वॉन्डरवॉल रेडियस से कम होता है, जो मॉलिक्यूल का वॉन्डरवॉल रेडियस है अगर उस वॉन्डरवॉल रेडियस से कम सेपरेशन दो नॉन बॉन्डेड एटम्स का होता है तो वहां पे स्टेरिक स्ट्रेन या वॉन्डरवॉल स्ट्रेन डेवलप होता है, और ये भी एक डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर है मॉलिक्यूल के लिए। तो आप नोट कर लो स्टेरिक स्ट्रेन का डिटेल लिखो, लिखो if distance between two non-bonded atoms, if distance between two non-bonded atoms present inside a molecule, if distance between two non-bonded atoms present inside the molecule, if distance between two non-bonded atoms present inside the molecule is less than their van der Waal radius, is less than their van der Waal radius, then steric strain is developed, is less than their van der Waal radius, then steric strain is developed. आगे लिखो, it is a destabilizing factor for conformational isomers, it is a destabilizing factor for a conformational isomers. तो देखो जैसे ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है और इसके अंदर मान लो यहां पे एक एटम एक्स प्रेजेंट है और यहां पे एक एटम वाई प्रेजेंट। आप देख रहे हो एक्स और वाई सेम मॉलिक्यूल के पार्ट है बट एक्स और वाई आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, इनके बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। अगर इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस, अगर इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल के वैन डर वाल रेडियस से कम है, ये पूरा मॉलिक्यूल का जो वैन डर वाल रेडियस है अगर उस वैन डर वाल रेडियस से इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम है, देन स्टेरिक स्ट्रेन इज डेवलप्ड। तो अब देखो
आप ये तो एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि वैन डेर वाल रेडियस क्या है, थियोरेटिकली तो एटलीस्ट नहीं पता कर सकते कि एक मॉलिक्यूल का वैन डेर वाल रेडियस क्या होगा, बट आप एक बात जरूर बोल सकते हो कि अगर दो नॉन बॉन्डेड एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो उनके बीच में इस स्ट्रेन के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का सेपरेशन कम है तो इस स्ट्रेन के ऑब्जर्व होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो थ्योरेटिकल एनालिसिस में हम स्टेरिक स्ट्रेन कितना कम है या कितना ज्यादा है उसका आइडिया इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, आर वैल्यू जितनी कम होगी स्टेरिक स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। तो अब आप देखो स्टेरिक स्ट्रेन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन अमंग कंफर्मेशनल आइसोमर्स, ऑर्डर ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन अमंग कंफर्मेशनल आइसोमर्स इज, सबसे ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेन होगा इक्लिप्स्ड में, सबसे ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेन इक्लिप्स्ड में होगा, उससे कम स्टेरिक स्ट्रेन होगा स्क्यू में, और सबसे कम स्टेरिक स्ट्रेन होगा स्टैगर्ड में। तो आपने देखा टॉर्सनल स्ट्रेन भी सबसे कम होता है स्टैगर्ड में और स्टेरिक स्ट्रेन भी सबसे कम होता है स्टैगर्ड में। इक्लिप्स्ड के केस में दोनों ही वैल्यूज ज्यादा है, ठीक है, और स्ट्रेन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, जो स्टेबिलिटी है कन्फर्मर्स की वो जो भी स्ट्रेन है स्ट्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेन उतनी कम स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी अगर कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी हम इसी के बेसिस पे ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के केस में। तो ये तो हो गया तीसरा फैक्टर जिसको हम स्टेरिक स्ट्रेन और वैन डेर वाल स्ट्रेन बोलते हैं। फोर्थ फैक्टर लिखो, नंबर फोर, डायपोल रिपल्सन, डायपोल रिपल्सन। नोट करो, लिखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक पोल्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक पोल्स, पोल्स का मतलब होता है बेटा चार्जेस, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक पोल्स दैट इज लाइक चार्जेज, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक पोल्स दैट इज लाइक चार्जेज इज लेस, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक पोल्स दैट इज लाइक चार्जेज इज लेस देन द रिपल्सिव इंटरैक्शन, देन द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑब्जर्व्ड बिटवीन देम, देन द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑब्जर्व्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल रिपल्सन, इज कॉल्ड डायपोल रिपल्सन। आगे लिखो, इट इज अ डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर, इट इज अ डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर अ कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब जैसे देखो, अगर हमने इस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, CH2F, अब इसके हम स्टैंडर्ड कन्फर्मेशनल फॉर्म को ड्रॉ कर रहे हैं,
ये है बेटा फुली इक्लिप्स्ड, ये फुली इक्लिप्स्ड है, फ्लोरीन के पीछे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। अब फुली इक्लिप्स्ड में अगर आप देखो तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये लाइक चार्जेज एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई कर रहे हैं, तो यहां पे मैक्सिमम मैक्सिमम डायपोल डायपोल रिपल्सन ऑब्जर्व होगा, सबसे ज्यादा डायपोल डायपोल रिपल्सन यहां पे ऑब्जर्व होगा फुली इक्लिप्स्ड। ये है बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड, यहां पे फ्लोरीन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे फ्लोरीन है, तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, इस फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इनका सेपरेशन सफिशिएंटली लार्ज है, तो यहां पे इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन ऑब्जर्व होगा। इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन, ये है बेटा गॉज स्टैगर्ड, गॉज स्टैगर्ड, यहां पे फ्लोरीन के अपोजिट फ्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन नहीं है, ये गॉज स्टैगर्ड है, दोनों फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इनका सेपरेशन इंटरमीडिएट ऑर्डर का है, तो यहां भी इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन ऑब्जर्व होगा, इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन। लेकिन एक चीज देख सकते हो कि यहां पे जो फ्लोरीन का सेपरेशन है पार्शियली इक्लिप्स्ड में, फ्लोरीन 120 डिग्री पे दिख रहे हैं, ठीक है, अगर प्लेनर एंगल देखे तो 120 डिग्री है, जबकि यहां पे फ्लोरीन के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो यहां पे डायपोल डायपोल रिपल्सन कम होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड में, गॉज स्टैगर्ड में कंपैरेटिवली डायपोल डायपोल रिपल्सन ज्यादा होगा, और फिर यहां पे आप देखो फ्लोरीन एग्जैक्टली अपोजिट है, लाइक पोल्स का सेपरेशन मिनिमम मैक्सिमम है, इसलिए डायपोल डायपोल रिपल्सन मिनिमम होगा, तो यहां पे मिनिमम डायपोल डायपोल रिपल्सन ऑब्जर्व होगा, मिनिमम डायपोल डायपोल रिपल्सन। तो ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, मैंने यहां पे स्क्यू फॉर्म को नहीं कंसीडर किया है, फुली इक्लिप्स्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड गॉज स्टैगर्ड एंड एंटी स्टैगर्ड। अगर हम यहां पे ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन
डायपोल डायपोल रिपल्सन का ऑर्डर को अगर देखें तो सबसे ज्यादा डायपोल डायपोल रिपल्सन होगा बेटा फुली इक्लिप्स्ड में, उसके बाद होगा गॉज स्टैगर्ड, उसके बाद पार्सली इक्लिप्स्ड, और सबसे कम होगा इन एंटी स्टैगर्ड। ये डायपोल डायपोल रिपल्सन का ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, फुली इक्लिप्स्ड में डायपोल डायपोल रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद गॉज स्टैगर्ड, फिर पार्सली इक्लिप्स्ड और फिर एंटी स्टैगर्ड होगा। ये ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल रिपल्सन। ड्रॉ कर लिया ये, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बेटा। फिफ्थ फैक्टर कंसीडर करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो स्टेबिलिटी डिटर्मिनिंग फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं कन्फर्मर्स के लिए, उनमें ये अकेला ऐसा फैक्टर है जो स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है, बाकी सब डीस्टेबिलाइजिंग फैक्टर होते हैं। आप इसके बारे में नोट कर लो, लिखो दिस इज द ओनली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, दिस इज द ओनली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, दिस इज द ओनली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, दिस इज द ओनली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आगे लिखो, ड्यू टू दिस फैक्टर Gauge staggered becomes more stable. Due to this factor, gauge staggered becomes more stable than that of anti-staggered. अगर ये factor कहीं पे observe होता है तो वो gauge staggered को सर्टेनिटी के साथ एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल बना देता है, ठीक है। इसकी वजह से गॉज स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को CH2 OH CH2 F 2 फ्लोरो
इथेनॉल, 2-fluoroethanol. अगर 2-fluoroethanol को कंसिडर करें, मैं गॉच और एंटी का केस को ही यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब जैसे देखो, अगर यहां पे OH ग्रुप है और इधर है फ्लोरीन, तो आप देख सकते हो OH और फ्लोरीन ये बॉन्डिंग रेंज में यहां पे लाई कर रहे हैं गॉच स्टैगर्ड में. तो अगर ये बॉन्डिंग रेंज में लाई कर रहे हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी. OH और F के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी जो कि इसको स्टेबलाइज करती है. अगर हम एंटी स्टैगर्ड को कंसिडर करें तो एंटी स्टैगर्ड में क्या होगा, यहां पे OH है और यहां पे है बेटा F. आप देख सकते हो OH और F ये बॉन्डिंग रेंज में नहीं है. तो बॉन्डिंग रेंज में नहीं है तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. गॉच स्टैगर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, एंटी स्टैगर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. और क्योंकि गॉच स्टैगर्ड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए गॉच स्टैगर्ड एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाता है. बट फुली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड में स्टेबिलिटी ऑर्डर में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता. पार्शियली इक्लिप्स्ड फुली इक्लिप्स्ड से ज्यादा ही स्टेबल रहता है. तो अब बात आती है कंफर्मेशनल आइसोमर्स की ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. तो अगर हम इनकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंसीडर करें, लिख लो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर्स, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मर्स. अब देखो इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं. फर्स्ट केस, इफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अब्सेंट, अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, If intramolecular hydrogen bonding is absent, तो order of stability ये है बेटा, fully eclipsed सबसे कम, partially eclipsed उससे ज्यादा, gauge staggered उससे ज्यादा, anti staggered सबसे ज्यादा. जब intramolecular hydrogen bonding नहीं है तो ये order of stability है. fully eclipsed की order of stability सबसे कम और एंटी स्टैगर्ड की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा. इफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, तब क्या होगा? तो बोलते हैं इन दोनों का ऑर्डर बदल जाता है. फुली इक्लिप्स्ड अभी भी सबसे कम स्टेबल होगा, पार्शली इक्लिप्स्ड उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा बेटा एंटी स्टैगर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा गॉच स्टैगर्ड. तो एंटी स्टैगर्ड और गॉच स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी ऑर्डर बदल जाता है जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होती. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कंफर्मेशनल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो.
क्वेश्चन लिखो। लिखो ड्रॉ अ कर्व बिटवीन, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन, draw a curve between potential energy and angle of rotation during one cycle of rotation, during one cycle of rotation, during one cycle of rotation inside the propane molecule, inside the propane molecule, inside the propane molecule where rotation is performed, where rotation is performed between any two carbon atom, where rotation is performed between any two carbon atom, तो प्रोपेन मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, बोल रहे कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में हम रोटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो ये दो कार्बन है जिनके बीच में रोटेशन को परफॉर्म किया जा रहा, तो एक कार्बन पे आप तीन हाइड्रोजन देख रहे हो और दूसरे कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल देख रहे हो। अब आप अगर यहां पे रोटेशन परफॉर्म करोगे, मैं न्यूमेंस प्रोजेक्शन के टर्म्स में ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मान लो ये फ्रंट कार्बन है जिसपे एक मिथाइल है और दो हाइड्रोजन है। अब जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है। अब देखो बेटा ये इक्लिप्स्ड है, बट हम इसको फुली इक्लिप्स्ड या पार्शियली इक्लिप्स्ड, खैर यहां पे पार्शियली इक्लिप्स्ड बोल सकते हैं या सिंपली इक्लिप्स्ड बोल सकते हैं। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड। अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करें, रोटेशन बाय 60 डिग्री, इसमें हमने क्या किया है, फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा है, बैक कार्बन को हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट मिल जाएगा। ये अरेंजमेंट मिल जाएगा बेटा। अब देखो ये है स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। आप अगर इसको फिर से रोटेट करोगे 60 डिग्री, अगर आप इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेट करो, कीपिंग फ्रंट कार्बन फिक्स्ड, फिर से ये सेम इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमेशा यहां पे जो कन्वर्जन होगा वो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में होता रहेगा। हर 60 डिग्री रोटेशन के बाद अगर इक्लिप्स्ड था तो वो स्टैगर्ड बन जाएगा और अगर स्टैगर्ड था वो इक्लिप्स्ड बन जाएगा। जिनमें स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी कम होगी, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम कर्व ड्रॉ करें
बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करते हैं, यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहां पे जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और स्टैगर्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अगर एक साइकिल के मीन टाइम कर्व ड्रॉ करें तो इक्लिप्स से स्टार्ट किया तो पहले ये स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगा, फिर ये इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट होगा, फिर स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगा, फिर इक्लिप्स्ड में, फिर स्टैगर्ड में, फिर इक्लिप्स्ड में, इस तरीके से अरेंजमेंट चेंज होगा। अगर एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में देखो, 0, 60, 120, 180, 240, 300 and 360. सर सर स्ट्रक्चर कैसे बनाया एक बार बताना। हमने पहले इक्लिप्स्ड कंसीडर किया था, इक्लिप्स्ड पहले कंसीडर किया था, यहाँ पे फुली इक्लिप्स तो हो नहीं सकता, आप पार्शियली इक्लिप्स्ड बोल सकते हो या सिंपली इक्लिप्स्ड बोल सकते हो। और पीछे वाले कार्बन को हमने, फ्रंट वाले कार्बन और उसके ग्रुप्स को फिक्स रखा है, बैक वाले कार्बन को उसके ग्रुप्स के साथ रोटेट कर रहे, फ्री रोटेशन करा रहे, तो ये स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो इक्लिप्स बन गया, फिर रोटेट करोगे स्टैगर्ड बन जाएगा। तो हर बार क्या होगा, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, इस तरीके से अरेंजमेंट चेंज होता रहेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और थीटा के बीच में कर्व होगा। अगला केस लिखो, अगला क्वेश्चन। लिखो, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन। In 1,2 dichloroethane molecule, in 1,2 dichloroethane molecule, in 1,2 dichloroethane molecule, where rotation is performed between carbon atoms. Where rotation is performed between carbon atoms.
अगर हम यहां पे स्टार्ट करते हैं फुली इक्लिप्स से, तो फिर ये गॉज स्टैगर्ड बन जाएगा और फिर ये पार्शियली इक्लिप्स्ड बन जाएगा और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एंटी स्टैगर्ड बन जाएगा और अगर आप इसको फर्दर रोटेट करते हो यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, बाकी जगह पे हाइड्रोजन। ये पार्शियली इक्लिप्स बन गया। अगर इसको फर्दर रोटेट करें तो ये गॉज स्टैगर्ड बन जाएगा और अगर इसको फर्दर रोटेट करें तो ये फुली इक्लिप्स बन जाएगा। इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट चेंज होगा। फुली इक्लिप्स, गॉज स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स, गॉज स्टैगर्ड, फुली इक्लिप्स। और यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर कंसीडर करें इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो सबसे कम फुली इक्लिप्स्ड, उससे ज्यादा पार्शियली इक्लिप्स्ड, उससे ज्यादा गॉज स्टैगर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी स्टैगर्ड। ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। तो अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल ऑफ रोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में कर्व ड्रॉ करें, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी फुली इक्लिप्स की, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर गॉज स्टैगर्ड और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी एंटी स्टैगर्ड की। ये अगर इनके पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं फुली इक्लिप्स से, फुली इक्लिप्स कन्वर्ट हो रहा है गॉज स्टैगर्ड में, मतलब जो कर्व होगा बेटा वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां से ये गॉज स्टैगर्ड के लेवल पे आएगा, फिर पार्शियली इक्लिप्स मिल रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और ये यहां आ जाएगा, फिर ये एंटी स्टैगर्ड बन रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और ये यहां आ जाएगा, फिर ये पार्शियली इक्लिप्स बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और ये यहां आ जाएगा, फिर ये गॉज स्टैगर्ड बना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये यहां आ जाएगा और अल्टीमेटली ये फुली इक्लिप्स में कन्वर्ट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करके ये यहां देगा। ये कर्व होगा। अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन को कंसीडर करें तो 60, 120, 180, 240,
360. एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का मतलब वो ग्रुप जिनको हम हाइड्रोजन को हटा करके लगा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बीच का जो एंगल होता है उसको डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल ये टर्म एनसीईआरटी में भी गिवन है, प्लस वन एनसीईआरटी में। तो डाईहेड्रल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, द एंगल बिटवीन टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, द एंगल बिटवीन टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम is called dihedral angle, is called dihedral angle, और dihedral angle को हमेशा clockwise direction में measure करते हैं। आप इस बात को note कर लो, dihedral angle is always measured the angle between two substituted group, the angle between two substituted group present on adjacent carbon atom, present on adjacent carbon atom is called dihedral angle, is called dihedral angle. आगे लिखो, इट इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इट इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जिसकी पोजीशन फिक्स है उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे। जैसे यहां पे अगर आप देखो, डाईहेड्रल एंगल जीरो है बिकॉज ये पैरेलल है, यहां पे डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, यहां पे 120, यहां पे 180, यहां पे 240, क्लॉकवाइज ही हमेशा मेजर करेंगे। एक तो ये वाला एंगल भी है, ये 120 है, लेकिन ये नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमें क्लॉकवाइज वाला एंगल मेजर करना है। तो 240 और यहां पे 300 और फिर 360 या जीरो। इसी तरीके से नोट करो एक और केस, draw a curve between potential energy and angle of rotation, draw a curve between potential energy and angle of rotation during one cycle of rotation of ethane 1,2-diol, इथेन 1,2-diol, इसी को इथाइलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, इथेन 1,2-diol मॉलिक्यूल, इथेन 1,2-diol मॉलिक्यूल वेयर रोटेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, वेयर रोटेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम्स,
तो इथेन 1,2-diol मॉलिक्यूल है, यहां पे आप देखोगे ये जो दो ग्रुप्स हैं OH ग्रुप्स, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि गॉच स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाती है। पैटर्न तो यही रहेगा जो आप यहां पे देख रहे हो, उसी तरीके से सब कुछ चेंज होगा, बट यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बदल जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर कंसीडर करें तो यहां पे गॉच स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एंटी स्टैगर्ड, तो इस वजह से कर्व में भी चेंज ऑब्जर्व होगा। अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड थीटा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी फुली इक्लिप्स की, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, उसके बाद एंटी स्टैगर्ड, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा यहां पे गॉच स्टैगर्ड की। ये इनके पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स हैं, स्टार्ट हमने किया है फुली इक्लिप्स से, फुली इक्लिप्स कन्वर्ट हो गया गॉच स्टैगर्ड में, तो फुली इक्लिप्स से स्टार्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया गॉच स्टैगर्ड में, फिर गॉच स्टैगर्ड पार्शियली इक्लिप्स में कन्वर्ट हो गया, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड एंटी स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर एंटी स्टैगर्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड गॉच स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली फुली इक्लिप्स्ड मिल गया। ये कर्व होगा, तो ऐसे ही आपको पूरा पैटर्न पहले समझना पड़ेगा। अगर एक साइकिल ऑफ रोटेशन के बीच में कर्व की बात कर रहे हैं तो आप एक फॉर्म से स्टार्ट करो और पूरा सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि 60-60 डिग्री रोटेशन के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और फिर उन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिटरमाइन कर लो। ऑर्डर डिटरमाइन करने के बाद फिर आपको ऐसे ही स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, तो यही अप्रोच फॉलो होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट determination of composition, determination of composition of conformational isomers, determination of composition of conformational isomers। तो अगर हमें कंफर्मेशनल आइसोमर्स का कंपोजिशन डिटरमाइन करना है तो कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम दो मेथड को यूज करते हैं, लिख लो।
फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज. फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज. Following two methods are used for this purpose. Number one, dipole moment measurement, dipole moment measurement method. Dipole moment measurement method. देखो ये जो method है dipole moment measurement method, इस method को हम सिर्फ conformational isomer के composition के लिए ही determine नहीं करते, मतलब use नहीं करते, बल्कि हम इस मेथड को किसी भी ऐसे मिक्सचर के कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे मिक्सचर का कंपोजिशन वैरी नहीं कर रहा है विद टाइम. अगर मिक्सचर का कंपोजिशन टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है तो डायपोल मोमेंट मेजरमेंट मेथड को यूज किया जा सकता है उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए. अब इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं जरा देखो. जैसे मान लो कि जो कंपोनेंट्स है एक मिक्सचर के, अगर वो है ए बी एंड सी, इनको मिक्स करके हमने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया है. अगर इन कंपोनेंट्स का डायपोल मोमेंट, अगर इन कंपोनेंट्स का डायपोल मोमेंट म्यू ए म्यू बी और म्यू सी है, अगर इन कंपोनेंट्स का डायपोल मोमेंट म्यू ए म्यू बी और म्यू सी है और मिक्सचर का डायपोल मोमेंट हमें निकालना है और इनके मोल फ्रैक्शंस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस गिवन है. अगर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी, कंपोनेंट सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी है, तो डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ सेकंड कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ थर्ड कंपोनेंट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा. बेटा ये रिजल्ट हम यूज करेंगे मिक्सचर का डायपोल मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए. डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ सेकंड कंपोनेंट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ थर्ड कंपोनेंट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन. अगर और भी कंपोनेंट्स है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा नोटेशन के टर्म्स में, समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन, समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन, अगर एन कंपोनेंट का मिक्सचर है तो. और एक और बात, टोटल मोल फ्रैक्शन अगर हम कंसीडर करें यहां पे तो टोटल मोल फ्रैक्शन वो हमेशा वन होगा, आपको पता है. टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन, इससे आप वेरिएबल को कम कर सकते हो. अब यही रिजल्ट हम यहां पे यूज करेंगे कंफर्मर का जो मिक्सचर है, कंफर्मर का मिक्सचर का कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए. तो देखो कैसे यूज करते हैं इस रिजल्ट को. जैसे मान लो
कि कन्फर्मर्स का मिक्सचर है, इसके अंदर फुली इक्लिस्ट फॉर्म भी है बेटा, पार्सली इक्लिस्ट भी है, स्क्यू फॉर्म भी है, बहुत सारे स्क्यू फॉर्म, वैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता नहीं, तो हम यहां पे इसके मिक्सचर की बात करेंगे। गॉट स्टैगर्ड भी है, एंटी स्टैगर्ड भी है, इन सब का मिक्सचर वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये फ्री रोटेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भले ही ये इंटर कन्वर्टेबल है, बट इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगा। आप देखो, अगर फुली इक्लिप्स का डैपोलमेंट म्यू एफ है, पार्सली इक्लिप्स का डैपोलमेंट म्यू पी है, स्क्यू का एवरेज डायपोल मोमेंट म्यू एस है, एवरेज डायपोल मोमेंट ऑफ स्क्यू फॉर्म म्यू एस, गॉज स्टैगर्ड का डायपोल मोमेंट म्यू जी, और एंटी स्टैगर्ड का डायपोल मोमेंट म्यू ए, और मिक्सचर का डायपोल मोमेंट, ये, और अगर इनके मोल फ्रैक्शंस एक्स एफ एक्स पी, स्क्यू का टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स एस, गॉज स्टैगर्ड का एक्स जी, एंटी स्टैगर्ड का एक्स ए, अगर ये इनके मोल फ्रैक्शंस हैं, तो इस मिक्सचर का डायपोल मोमेंट हो जाएगा म्यू एफ एक्स एफ प्लस म्यू पी एक्स पी प्लस म्यू एस एक्स एस प्लस म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ए एक्स ए, ये होगा बेटा। ये है डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर, म्यू एफ एक्स एफ म्यू प्लस म्यू पी एक्स पी प्लस म्यू एस एक्स एस प्लस म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ए एक्स ए। आप देखो, एक फैक्ट जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, फैक्ट ये है कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भले पांच कंपोनेंट्स हैं, उसमें स्क्यू तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता नहीं, लेकिन इन पांच कंपोनेंट्स में से सिर्फ ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, गॉज स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड, इन्हीं का जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो 0.99 से ज्यादा होता है, मतलब इन दोनों का जो परसेंटेज है इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो मोर देन 99% होता है। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the composition of gauge staggered and anti staggered, the composition of gauge staggered and anti staggered in equilibrium mixture, in equilibrium mixture, the composition of gauge staggered and anti staggered in equilibrium mixture is more than 99%, is more than 99%। इसका मतलब यह है कि बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब उनकी जो मोल फ्रैक्शन वैल्यू है वो बहुत छोटी है। तो अगर उनकी मोल फ्रैक्शन वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब आप ये समझ लो कि इन तीनों का जो मोल फ्रैक्शन है, स्क्यू का, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, इन तीनों का अगर मोल, टोटल मोल फ्रैक्शन को देखें, तो वो टोटल मोल फ्रैक्शन भी 0.01 से कम है। तो ऐसे सिचुएशन में ये तीनों टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि एक्स एफ एक्स पी और एक्स एस वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो को टेंड कर रही है, वैल्यूज बहुत छोटी है,
तो इस वजह से ये जो टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और अगर ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो जो मिक्सचर का डाइपोल मोमेंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ए एक्स ए के बराबर होगा। मिक्सचर का डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ए एक्स ए के बराबर होगा। अब देखो अगर हम एंटी स्टैगर्ड को कंसीडर करें तो एंटी स्टैगर्ड सिमेट्रिकल होता है, तो क्योंकि एंटी स्टैगर्ड का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होता है, इस वजह से एंटी स्टैगर्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लो, सिंस एंटी स्टैगर्ड फॉर्म एक्वायर्स सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, since anti-staggered form acquires symmetrical arrangement, therefore, its dipole moment is zero. तो इसका dipole moment zero है, इसलिए ये वाला टर्म भी नेग्लेक्ट हो गया। तो मिक्सचर का डाइपोल मोमेंट ये आ गया बेटा म्यू जी एक्स जी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यू ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉड स्टैगर्ड आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉड स्टैगर्ड इज इक्वल टू डैपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर अपॉन डैपोल मोमेंट ऑफ गॉड स्टैगर्ड। और अगर गॉड स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन आ गया तो यहां से एंटी स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन को अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉड स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉड स्टैगर्ड। इस तरीके से गॉड स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड दोनों का मोल फ्रैक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो तीन फॉर्म है उनका मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता। ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई सबको? डैपोल मोमेंट मेजरमेंट मेथड का डिटेल समझ में आ गया? इस पे जी एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में मिक्सचर का डैपोल मोमेंट गिवन था, गॉड स्टैगर्ड का डाइपोल मोमेंट गिवन था, और एंटी स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन पूछा गया था। इस मेथड को आप टॉटोमस का कंपोजिशन को निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म का डाइपोल मोमेंट पता हो और मिक्सचर का डाइपोल मोमेंट पता हो तो कीटो और इनॉल का कंपोजिशन निकाला जा सकता है, क्योंकि कीटो और इनॉल फॉर्म भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेचर फिक्स होने पर उनका कंपोजिशन फिक्स होता है।
अगला मेथड लिखो, नेक्स्ट मेथड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मेथड, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मेथड। Gibbs free energy change method. देखो इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मान लो हमने इस इंटर कन्वर्जन को कंसिडर किया है जहां पे गॉज स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, गॉज स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अगर इस चेंज की इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा एच नॉट है, ठीक है, अगर इस चेंज की इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा एच नॉट है जो कि गिवन है, तो हम यहां इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट gives free energy change at standard state delta G naught, delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught, delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught। अब देखो अगर ये मिक्सचर इक्विलिब्रियम में है तो आप नोट करो, लिखो एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन सिस्टम, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन सिस्टम इज मैक्सिमम, एट इक्विलिब्रियम entropy of reaction system is maximum, at equilibrium entropy of reaction system is maximum but it is constant, equilibrium pe reaction system ki jo entropy hoti hai wo maximum hoti hai lekin wo constant hoti hai, change nahi hoti, to therefore at equilibrium delta S naught is equal to zero, क्योंकि entropy constant है इसलिए change in entropy at equilibrium क्या होगा, zero होगा, therefore at equilibrium delta S naught is equal to zero। तो अगर ये वाला term zero हो गया बेटा तो यहां से आ जाएगा this implies delta G naught is equal to delta H naught, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। और केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको एक बार बताया हुआ है, वांट ऑफ इक्वेशन के बारे में बताया हुआ है, सिंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग ऑफ 10 बेस के इक्विलिब्रियम, सिंस डेल्टा जी नॉट is equal to minus 2.303 RT log of 10 base K equilibrium, और डेल्टा जी नॉट तो वैसे आपको पता है नहीं तो आप डेल्टा एच नॉट को ही यहां पे डेल्टा जी नॉट बोलोगे, क्योंकि डेल्टा एच नॉट जीरो है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, तो यहां से आ गया डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log of 10 base
के इक्विलिब्रियम। अब इस रिजल्ट को यूज करके बेटा आप के इक्विलिब्रियम निकाल लोगे, ये रिजल्ट को यूज करके आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, टेम्परेचर वहां पे गिवन होगा, डेल्टा एच नॉट वैल्यू गिवन होगी, आर आपको पता ही है, अप्रोप्रिएट यूनिट में आर वैल्यू को पुट करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कैलकुलेट कर लोगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां पे आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एंटी स्टैगर्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ गॉट स्टैगर्ड। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंटी स्टैगर्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ गॉट स्टैगर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, वन दोनों साइड में एड कर देते हैं, तो वन प्लस के इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एंटी स्टैगर्ड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ गॉट स्टैगर्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ गॉट स्टैगर्ड। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकाले बेटा तो वन अपॉन वन प्लस के इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ गॉट स्टैगर्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ गॉट स्टैगर्ड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंटी स्टैगर्ड। अब आप देखो क्योंकि गॉज स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड सेम मिक्सचर के पार्ट है इसलिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर दोनों के लिए बराबर होगा। गॉज स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड सेम सॉल्यूशन के पार्ट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों के लिए बराबर होगा। तो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप इसको नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो आप इस बात को नोट कर लो। सिंस Both got staggered and anti-staggered. Since both got staggered and anti-staggered are present inside the same solution, are present inside the same solution. Therefore. वन अपॉन वन प्लस के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गॉच अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गॉच प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एंटी, जो कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच के बराबर आ जाएगा। तो यहां से गॉच फॉर्म का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा के इक्विलिब्रियम के टर्म्स पर। गॉज स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ के इक्विलिब्रियम आ गया, और अगर ये आ गया तो फिर एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है। तो एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स जी, ये है पूरा प्रोसीजर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मेथड का, कंफर्मेशनल आइसोमर्स के इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन निकालने के लिए। तो ये मेथड आपको स्टेप वाइज समझ में आ गया। स्टेप वाइज समझ में आ गया बेटा ये। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सोचो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आप इन्वॉल्व कर रहे हो थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर आप इन्वॉल्व कर रहे हो केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब यहां पे आपको मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये हो गई एनालिसिस कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म की इन केस ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड्स। अब आप नोट करो
कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नोट करो इसमें, लिखो अमंग साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, अमंग साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज अमंग साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन अ कंफर्मेशन कॉल्ड चेयर कंफर्मेशन, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन अ कंफर्मेशन कॉल्ड चेयर कंफर्मेशन, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन अ कंफर्मेशन कॉल्ड चेयर कंफर्मेशन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अमंग साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, अमंग साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन अ कंफर्मेशन because it exists in a conformation called chair conformation, called chair conformation, which is almost completely free, which is almost completely free from, which is almost completely free from all type of strain, all type of strain, which is almost completely free from all type of strain. तो cycloalkane में cyclohexane सबसे ज्यादा stable होता है, क्यों? क्योंकि cyclohexane में ये एक special conformation exist करता है जिसको हम chair conformation बोलते हैं, और इस चेयर कंफर्मेशन में जितने भी स्ट्रेन है सारे स्ट्रेन मिनिमाइज्ड होते हैं, इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो अब देखो बात आती है कि चेयर कंफर्मेशन का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसा होगा, तो आप नोट करो एनालिसिस ऑफ चेयर कंफर्मेशन, एनालिसिस ऑफ चेयर कंफर्मेशन। एनालिसिस ऑफ चेयर कंफर्मेशन पॉइंट वाइज आप लिखते जाना ये जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इन चेयर कंफर्मेशन इनर बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 111 डिग्री। अब अगर 111 डिग्री इनर बॉन्ड एंगल है तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे तो वो -0.75 डिग्री आएगा, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही है
जितना प्लेनर साइक्लोपेंटेन में होता है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेनर साइक्लोपेंटेन में जितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा वही एंगल ऑफ डेविएशन चेयर कंफर्मेशन में भी ऑब्जर्व होता है। तो आप नोट कर लो, ड्यू टू विच एंगुलर स्ट्रेन, ड्यू टू विच एंगुलर स्ट्रेन इज मिनिमाइज्ड, ड्यू टू विच एंगुलर स्ट्रेन इज मिनिमाइज्ड, एंगल ऑफ डेविएशन माइनस 0.75 डिग्री का है जो कि बहुत कम है, इसलिए यहां पे एंगुलर स्ट्रेन मिनिमाइज्ड है बेटा। और एंगुलर स्ट्रेन के बारे में बताया था कि ये मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इन चेयर कंफर्मेशन अरेंजमेंट अबाउट एडजेसेंट कार्बन इज स्टैगर्ड, अरेंजमेंट अबाउट एडजेसेंट कार्बन इज स्टैगर्ड ड्यू टू विच टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू विच टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड। तो यहां पे बोल रहे हैं कि जो एडजेसेंट कार्बन है उनके अबाउट अरेंजमेंट कैसा है, स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड अरेंजमेंट होने की वजह से यहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमाइज्ड होता है। और इसीलिए ये सबसे स्टेबल कंफर्मेशनल आइसोमर है। आप देखो यहां पे एंगुलर स्ट्रेन भी मिनिमाइज हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमाइज हो गया और स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमाइज हो गया। बाकी जो इंटरैक्शंस है जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में तो हो ही नहीं सकती, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, डायपोल डायपोल रिपल्सन भी यहां पे इन्वॉल्व होगा नहीं। तो तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व थे और ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मिनिमाइज है, तो तीनों फैक्टर्स के मिनिमाइज होने की वजह से ये सबसे स्टेबल कंफर्मेशन है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा हूं, ये देखो ये है प्लेनर साइक्लोहेक्सेन। जब ये प्लेनर फॉर्म में होता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है, ठीक है, ये प्लेनर साइक्लोहेक्सेन। बट एक्चुअल में अब देखो अगर ये प्लेनर है तो प्लेनर फॉर्म में बेटा यहां पे जो एंगल होगा ये एंगल ये 120 डिग्री होगा, मतलब ये सारे एंगल जो आप देख रहे हो ना ये सब, ये सारे एंगल 120 डिग्री है, और 120 डिग्री है तो इसलिए यहां पे एंगुलर स्ट्रेन होगा और एंगुलर स्ट्रेन इसको डिस्टेबलाइज करता है, तो ये प्लेनर फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, ये अपना एंगल को टेट्राहेड्रल एंगल के क्लोज ले जाना चाहता है, तो क्लोज ले जाने के लिए क्या करता है ये, जैसे देखो ये 6 कार्बन है, इनमें से ये वाला कार्बन जो है जहां पे मैंने ये ग्रीन कलर वाला एटम लगाया हुआ है, ये वाला कार्बन गया नीचे की तरफ ऐसे, पहले देखो ये प्लेन में था, अभी ये कहां गया, यहां से नीचे की तरफ गया, ठीक है, और इधर जहां पे दूसरा ग्रीन कलर वाला एटम कार्बन एटम है वो वाला कार्बन गया ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ गया। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक चेयर बन जाएगी, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक चेयर फॉर्म होगा जिसमें जहां जहां पे ये ग्रीन कलर वाले एटम है
ये एटम मतलब ये वाला कार्बन अगर डाउनवर्ड है, स्लांटेड डाउनवर्ड है, तो ये वाला कार्बन स्लांटेड अपवर्ड है, बाकी जो चार कार्बन है वो प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये वाला कार्बन नीचे की तरफ है स्लांटेड और ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ है स्लांटेड, ठीक है। मैं अगर इसी स्ट्रक्चर को यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, यहां पे कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन, ये सिक्स कार्बन एटम है। अब इसमें आप देखो बेटा, तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये चारों कार्बन एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये वाला कार्बन है स्लांटेड अपवर्ड और ये वाला कार्बन है स्लांटेड डाउनवर्ड, ठीक है। अब जरा आगे देखो, अगर हम यहां पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें तो हर कार्बन पे दो टाइप के ग्रुप है, हर कार्बन पे दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे देखो ये ग्रीन कलर वाला एटम जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच है इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं बेटा, ये हमेशा परपेंडिकुलरली लाई करेगा, मतलब ये अप वर्टिकली अपवर्ड होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जबकि एक बॉन्ड यहां पे और है, ये स्लांटेड है, ये स्लांटेड डाउनवर्ड होगा या स्लांटेड अपवर्ड होगा। तो जो बॉन्ड स्लांटेड है डाउनवर्ड और अपवर्ड उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो हर कार्बन पे एक एक्सियल बॉन्ड होगा और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। आप अगला पॉइंट में लिख लो, लिखो इन चेयर कंफर्मेशन, इन चेयर कंफर्मेशन एवरी कार्बन, every carbon possesses in chair conformation, every carbon possesses one axial bond and one equatorial bond, one axial bond and one equatorial bond, likh lo, where axial bond is either vertically upward or downward, is either vertically upward or downward, is either vertically upward or downward, whereas equatorial bond is either slanted upward or slanted downward, is either slanted upward or slanted downward, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पे देखो, मैंने अभी क्या बताया कि यहां पे जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड है। आप जरा इस बात को समझो बेटा, ये स्टैगर्ड कैसे है। जैसे मान लो हम ये दो कार्बन को देख रहे हैं, ठीक है, ये दो कार्बन आप देखो, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को देखो और इस हाइड्रोजन को देखो,
ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन अपोजिट है, ये जो अलग अलग कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन अपोजिट है। उसी तरीके से देखो ये वाला हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन, ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन ये है अपोजिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है, ये भी क्या है अपोजिट। तो आप देखोगे यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे अरेंजमेंट है स्टैगर्ड। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भी आप देखो स्टैगर्ड है, ये ग्रीन कलर वाला आइटम व्हाइट कलर वाला आइटम अपोजिट। अगर आप इधर देखोगे तो ग्रीन कलर वाला आइटम व्हाइट कलर वाला आइटम अपोजिट है, स्टैगर्ड। आप कोई भी दो कार्बन को ले लो, हर दो कार्बन के अबाउट, एडजेसेंट कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट आपको स्टैगर्ड ही मिलेगा। तो स्टैगर्ड होने से यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमाइज हो गया। और दूसरी बात यहां पे बोल रहे हैं कि जब ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जब ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होने पे यहाँ पे सारे एंगल बदल जाते हैं। जो एंगल पहले 120 था प्लेनर फॉर्म में, अभी वो 120 नहीं रहेगा बल्कि वो 111 डिग्री हो गया कम होकर के। तो उससे एंगुलर स्ट्रेन मिनिमाइज हो गया और स्टैगर्ड अरेंजमेंट होने की वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमाइज हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो बॉन्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हर कार्बन पे जो एक्सियल बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड का अरेंजमेंट आपको बता दूं, और साथ में आप पॉइंट वाइज इसको लिखते भी जाओगे। जैसे यहाँ का एक्सियल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ का एक्सियल मान लो वर्टिकली अपवर्ड है, तो इसके बगल वाले कार्बन का जो एक्सियल होगा बेटा वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो, यहां पे जो एक्सियल होगा ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसी तरीके से यहां का जो एक्सियल होगा ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, यहां का एक्सियल वर्टिकली अपवर्ड होगा, यहां का एक्सियल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो आप नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये मैंने एक्सियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। लिखो इन चेयर कंफर्मेशन, इन चेयर कंफर्मेशन एक्सियल बॉन्ड्स, इन चेयर कंफर्मेशन एक्सियल बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन, एक्सियल बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट कार्बन आर ट्रांस टू ईच अदर, आर ट्रांस to each other in chair conformation, axial bond of adjacent carbon are trans to each other and they are exactly anti, and they are exactly anti, देखो ये exactly एक दूसरे के opposite है, they are exactly anti। तो आप यहां पे ये भी देख रहे हो बेटा, एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन ट्रांस है बट अल्टरनेट कार्बन का हाइड्रोजन सिस है। इस पॉइंट को भी लिख लो, लिखो इन चेयर कंफर्मेशन एक्सियल बॉन्ड, इन चेयर कंफर्मेशन एक्सियल बॉन्ड ऑफ अल्टरनेट कार्बन, इन चेयर कंफर्मेशन एक्सियल बॉन्ड ऑफ अल्टरनेट कार्बन आर सिस टू ईच अदर, सिस टू ईच अदर। अच्छा अब जरा देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड की क्या सिचुएशन है। तो देखो अगर यहां का एक्सियल हाइड्रोजन वर्टिकली अपवर्ड है तो यहां पे जो एक्सियल हाइड्रोजन होगा वो स्लांटेड डाउनवर्ड होगा, तो स्लांटेड डाउनवर्ड होगा। लेकिन साथ में एक बात और समझना है कि वो इस तरीके से लाई करेगा कि वो जो अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेटा, इसके अल्टरनेट कार्बन, ये तो एडजेसेंट हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड हुआ, तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वो हमेशा अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल होगा, ठीक है, और उसके अपोजिटली ओरिएंटेड होगा। जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर जा रहा है तो ये इसी के पैरेलल होगा बट
इसके अपोजिटली ओरिएंटेड होगा, तो ऐसे आएगा ये कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से या हाँ बोलो स्लांटेड समझा दो कैसे होगा। स्लांटेड का मतलब ये देखो ना, ये स्लांटेड ही बोला जाएगा ऐसा, ये स्लांटेड है डाउनवर्ड, ये अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड है, ये स्लांटेड डाउनवर्ड। इसी तरीके से देखो अगर यहां का इक्वेटोरियल को हमें रिप्रेजेंट करना है, इस कार्बन का इक्वेटोरियल, तो इसका इक्वेटोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलते हैं कि ये अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल होगा। इस तरीके से लाई करेंगे। अब देखो अगर हमें यहां पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये भी अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड के पैरेलल। ऐसे यहां का इक्वेटोरियल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला इक्वेटोरियल अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड या ये बॉन्ड इसके पैरेलल होगा। ऐसे यहां का इक्वेटोरियल को रिप्रेजेंट करोगे तो वो या तो ये बॉन्ड या इस बॉन्ड के पैरेलल होगा। और उसी तरीके से हम इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, रेड कलर वाला जो बॉन्ड है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ब्लू कलर वाला जो बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड को अगर देखें तो ये एक्सियल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे एक बात आप और समझ सकते हो। देखो यहां का जो इक्वेटोरियल है वो स्लांटेड डाउनवर्ड है बेटा, और इसके बगल वाले कार्बन का जो इक्वेटोरियल है वो स्लांटेड अपवर्ड है। ये स्लांटेड अपवर्ड है, दिस इज स्लांटेड अपवर्ड एंड दिस इज स्लांटेड डाउनवर्ड। इसका मतलब दे आर ट्रांस टू ईच अदर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एंटी। तो एक अगला पॉइंट लिख लो, इन चेयर कंफर्मेशन इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट कार्बन, इन चेयर कंफर्मेशन इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट कार्बन आर ट्रांस टू ईच अदर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एंटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अल्टरनेट इक्वेटोरियल बॉन्ड को देखो ये स्लांटेड है अपवर्ड और ये भी है स्लांटेड अपवर्ड, तो अल्टरनेट इक्वेटोरियल बॉन्ड भी क्या होगा, सिस होगा। यहां पे इस पॉइंट को भी लिख लो, इन चेयर कंफर्मेशन एक्सियल बॉन्ड ऑफ अल्टरनेट कार्बन, एक्सियल बॉन्ड ऑफ अल्टरनेट कार्बन आर सिस टू ईच अदर। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस है बेटा। बाकी अगर हम देखें तो साइक्लोहेक्सेन के दूसरे कंफर्मेशनल आइसोमर्स भी ऑब्जर्व होते हैं, और वो कंफर्मेशनल आइसोमर्स एक पर्टिकुलर फिनोमेना के मीन टाइम ऑब्जर्व होते हैं जिसको हम रिंग फ्लिप और फ्लिपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी का, अभी तो देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है ये सा हॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ किया,
ये चेयर कंफर्मेशन को मैंने सा हॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ किया है। इसी तरीके से हमें चेयर कंफर्मेशन को न्यूमेंस प्रोजेक्शन के टर्म्स में भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालो, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, चेयर कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेंस प्रोजेक्शन, चेयर कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेंस प्रोजेक्शन, और उसी के साथ मैं आपको रिंग फ्लिप का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और जो अदर कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं उनको डिस्कस करते हुए अगले क्लास में हम कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म को फिनिश कर देंगे, मतलब आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आपको पता ही है, कल आपका टेस्ट होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड, जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पूछा जाएगा, और टेस्ट का टाइमिंग है मॉर्निंग में 8:30 to 9:30 आपका टेस्ट होगा।